हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रीम रूल्स के लास्ट मिनट शॉकिंग प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है, तो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। एक्सट्रीम रूल्स के लिए बाकी है सिर्फ एक दिन और हमें इस पेपर व्यू में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बेस्ट मूवमेंट्स एंड मैचेस हमें देखने मिलेंगे इस पेपर व्यू में। तो ये रहे एक्सट्रीम रूल्स के लास्ट मिनट शॉकिंग अपडेट्स। नंबर 4, एजे स्टाइल्स बिकम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। दोस्तों, एक्सट्रीम रूल्स में एजे एंड रेस्ट ऑफ द क्लब एक टाइप से भिड़ेंगे रिकोशे से। इस मैच में काफी कम चांसेस है टाइटल एक्सचेंज होने के, पर अगर WWE को इस क्लब ग्रुप को ज्यादा पुश देना है और ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाना है, तो फिर हमें इस मैच में एजे स्टाइल जीतते हुए दिख सकते हैं एंड बन सकते हैं न्यू US चैंपियन। एंड देन लेटर ऑन ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन भी जीत सकते हैं कोई चैंपियनशिप। इससे फिर इनकी स्टेबल काफी डोमिनेटिंग साबित होगी। नंबर 3, बॉबी लैशली एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रेक्स द रिंग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बॉबी लैशली एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाली है एट एक्सट्रीम रूल्स, और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दो बड़े मॉन्स्टर्स कैसे जबरदस्त डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन 385 pounds मॉन्स्टर एंड बॉबी लैशली 260 pounds बिग गाय। ये दोनों अगर एक मूव करेंगे लाइक सुपरप्लेक्स फ्रॉम द टॉप रोप, तो फिर हमें रिंग टूटते हुए दिख सकती है। अगर WWE को इन दोनों को वीक नहीं दिखाना है, तो फिर रिंग ब्रेक का सेगमेंट बुक कर सकते हैं और ये मैच एंड हो सकती है इन अ नो रिजल्ट। इससे फिर ये दोनों भी वीक नहीं दिखेंगे। नंबर 2, अंडरटेकर एंड रोमन रेंस डोमिनेट। दोस्तों, इनकी मैच काफी जबरदस्त होने वाली है। नो होल्ड्स बार्ड मैच होने की वजह से ये मैच में काफी सारे वेपन्स भी यूज होते हुए हमें दिख सकते हैं। अंडरटेकर एंड रोमन रेंस की एक पावरफुल टीम होने की वजह से ये हो सकता है कि हमें इन दोनों का ही डोमिनेंस बहुत ज्यादा दिखे इस मैच में। और अगर WWE सोच रहे हैं अंडरटेकर एंड ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड रखने के लिए आगे, तो फिर हमें इन दोनों के बीच काफी ज्यादा एक्शन देखने मिल सकता है कल एक्सट्रीम रूल्स में। पर दोस्तों, इसे रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये मैच जीतेंगे अंडरटेकर एंड रोमन रेंस की टीम। एंड नंबर 1, ब्रॉक लेसनर बिकम्स द WWE चैंपियन। दोस्तों, WWE के दोनों भी टॉप चैंपियंस, यूनिवर्सल चैंपियन एंड WWE चैंपियन, एकदम बोरिंग, थर्ड क्लास, फेल्ड एंड लो रेटिंग लाने वाले हैं। पर इन दोनों में से सबसे बुरे हैं WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, ये रेसलर जोक है एज अ WWE चैंपियन। पैनकेक्स फेंकने वाला जॉबर से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। पर अगर WWE ऐसा WWE चैंपियन लेके गए जब WWE जाएगा फॉक्स पर, तो फिर पहले ही दिन फॉक्स WWE को लात मार के भगा देगा एंड कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल कर देगा। इसलिए शायद WWE चाहेगा कि ब्रॉक लेसनर बने WWE चैंपियन। तो फिर करके एक्सट्रीम रूल्स में ऐसा कुछ सेगमेंट प्लान हो सकता है कि कोफी किंगस्टन जब अपना मैच जीतेंगे समोआ जो के अगेंस्ट, तभी बिगी उन पर हील टर्न करेंगे और अटैक करेंगे, और उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर शॉकिंगली आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देंगे और एक FI देकर उन्हें पिन करके जीत जाएंगे ये मैच एंड बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। और फिर ऐसे ब्रॉक लेसनर ज्यादा दिखेंगे स्मैकडाउन लाइव पर, और फिर शुरू होगी बिगी एंड कोफी किंगस्टन की राइवलरी। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि कैसे बुकिंग करते हैं विंस मैकमैन एट एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है फॉर एक्सट्रीम रूल्स। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।